अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीर सागर। ग्राफिक डिज़ाइंस के कोर्स में आज हमारा तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में जो है वो हम शेप टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेप टूल जिसकी शॉर्ट की एम है, और शेप टूल से हम जो है वो बहुत से अच्छे अच्छे शेप बना सकते हैं शेप टूल की मदद से। शेप टूल में अंदर रेक्टेंगुलर टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, और उसके साथ साथ जो है वो पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, और जो है फ्लेयर टूल है। ये है स्टार टूल। शेप टूल हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम जो है कम वक्त में शेप जो है वो अच्छे अच्छे बना लें, जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ग्राफिक बनाने के लिए। ये स्टार टूल है, इसको हम कोई सा भी कलर दे देते हैं। ये हमने इसको कलर दे दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा जो है ख़ूबसूरत एक शेप बन गया है। अगर आप चाहें तो इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, येलो दे सकते हैं। हाँ, ये कलर जो है बहुत इसको सूट कर रहा है। और आप जो है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे तो ये जो है वो ग्रुप हो जाएगा, यानी कि अब आप इसको जहाँ भी मूव कराएं तो ये जो है सेपरेट मूव नहीं करेंगे दोनों शेप। अब ये दोनों शेप जो हैं वो एक शेप बन गई है। ये एक रेक्टेंगल शेप है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी जो ये एंगल्स हैं वो स्मूथ करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप सिलेक्ट करेंगे, उसको जो है वो इस एंकर के ऊपर आप रैप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहा है, इसको आप जो है अंदर जो है वो खींचेंगे तो ये एंगल जो थी वो अब स्मूथ बन गई, और इससे जो है रेक्टेंगल से ये कोई दूसरा शेप जो है वो बन गया। ये एक सैम्बल बन गई है जो कि हेड कांस्टेबल उनकी जो है वो बाजुओं पे लगी हुई होती हैं इस टाइप की शेप्स। तो आपने देखा कि आज हमने शेप टूल को प्रैक्टिस की, और आप भी जो है शेप टूल को प्रैक्टिस करें ताकि वो आपको याद रहे। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।